प्रशासन अब इंदौर नेत्र चिकित्सालय को मिली 75,000 वर्ग फीट जमीन पर जांच में जुट गया है। जांच में आ रहे तथ्यों के बाद संभावना बन रही है कि सरकार अस्पताल से जमीन वापस लेकर इस पर बने भवन को कब्जे में ले सकती है, क्योंकि ना तो संस्था ने जमीन के बदले में 1 रुपया भी दिया है और ना ही शर्तों के अनुसार भवन निर्माण के लिए मंजूरी ली। अपर कलेक्टर कैलाश वानखेड़े, नजूल अधिकारी रवि कुमार सिंह 1971 से इस मामले में अब तक चल रही फाइलों और पत्राचार की जांच कर रहे हैं। जांच में प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि संस्था को शासन ने जमीन का अग्रिम आधिपत्य दिया था। बाद में कई बार संस्था और तत्कालीन कलेक्टर के बीच लीज व अन्य बातों को लेकर पत्राचार हुआ, लेकिन लीज करार नहीं हुआ। संस्था ने लीज रेट या प्रीमियम के तौर पर कोई राशि भी जमा नहीं की। जमीन देते समय सरकार ने शर्त रखी थी कि निर्माण से पहले कलेक्टर की अनुमति, राज्य सरकार को लीज राशि जमा करने और आवंटन से जुड़ी सभी शर्तों का पालन किया जाएगा। अस्पताल ने इनमें से किसी को नहीं माना, लिहाजा तीनों ही शर्तों का उल्लंघन हुआ। कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव के मुताबिक जमीन को लेकर सभी पहलुओं पर जांच चल रही है। सोमवार को रिपोर्ट मिलने पर आगे की कार्रवाई होगी।